नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेफ अनुज और आज मैं लाया हूं एक नई रेसिपी भेज बादशाह की। और इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। पहले चाहिए होगा लौकी। लौकी जो है मैंने पहले ही बॉयल कर दी थी। उसके बाद जो है ये ब्रेड है, ब्रेड को मैंने फ्राई कर दिया है। और ये हैं कच्चे केले, कच्चे केले को मैंने पहले फ्राई कर चुका हूँ। और ये है पनीर, पनीर को भी मैंने फ्राई कर दिया है। और ये है ब्रेड जिसको मैंने दूध में भिगो दिया है। और ये है दो प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर दिया है। लहसुन 8 से 10 पीस जिसको मैंने साबुत छिला हुआ है। और ये है अदरक चॉप। और ये है जूलियन। उसके बाद जो है मैंने डैश टमाटर को काट दिया है इस तरीके से। प्याज भी मैंने डैश काट चुका हूँ। और काजू जो मैं फ्राई कर चुका हूँ, 8 से 10 काजू हैं। उसके बाद मटर 5 ग्राम और एक आलू मैंने जो है फ्राई कर चुका हूँ। टमाटर चॉप हो चुके हैं। और उसके लिए जो है धनिया, ये धनिया जो है धनिया की जड़ है जिसको मैंने फाइन चॉप कर दिया है। और ये है धनिया की पत्ती। हरी मिर्ची जिसको मैंने डैश काट चुका हूँ। तो ये सारा सामान जो है आपको इसको बनाने के लिए चाहिए होगा। मैं सबसे पहले इसमें डालूँगा 1 टेबल स्पून तेल। तेल की जगह आप घी भी यूज कर सकते हो। तो 1 टेबल स्पून मैं डाल रहा हूँ तेल, 1 टेबल स्पून तेल डाल चुका हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ये गर्म होता है तो मैं इसमें डाल दूँगा साबुत लहसुन और इसको थोड़ी देर जो है बढ़िया से चलाऊंगा और इसको भूनूंगा। तो इसको आपको हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और जैसे ये भुन जाए तो अब इसमें डाल देना है प्याज। और इस प्याज को जो है हमें करना पड़ेगा ब्राउन। तो इसको जो है हमें थोड़ी देर जो है 5 मिनट तक इसको चलाना पड़ेगा। जब तक ये प्याज ब्राउन नहीं होता है तब तक हमें इसको प्रॉपर चलाना पड़ेगा। तो इसको जो है 5 मिनट में भून लेता हूँ अच्छे से। तो प्याज को भूनते भूनते हमें जो है 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा हल्दी। हाफ टी स्पून और इसको जो है इसके साथ मिला लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा डैश प्याज जो हमने काट के रखा हुआ था। तो ये जो है इसमें डाल देता हूँ। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने डैश काट के रखे थे पहले से। और इसको भी जो है 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे। और उसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगा चॉप टमाटो जो मैंने पहले ही काट के रखे हुए थे। और गैस को थोड़ा कम कर देंगे। और इसको जो है 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल बढ़िया से भूनेंगे जब तक ये टमाटर अच्छे से पक नहीं जाता।
तब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं हमें भूनते हुए। तो 5 मिनट हमें जो है इसको भूनते हुए हो गए। टमाटर भी अच्छे से पक गया है और इसमें जो है ऐड करूँगा मैं नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद जो है ऐड करूँगा मटर। और इसको भी चलाऊंगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है थोड़ी देर चला के इसमें यहीं पे कर देंगे मसाले ऐड। तो मसाले में मैं सबसे पहले ऐड करूँगा कश्मीरी मिर्च 1/4 टीस्पून, उसके बाद डालूंगा जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, किचन किंग 1 टेबल स्पून, और उसके बाद डालूंगा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम डाल देंगे जो लौकी रखी हुई थी बॉयल करके उसको। और इसको हम जो है मसाले के साथ अच्छे से चलाएंगे। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा थोड़ा सा पानी मसाला पकाने के लिए, और थोड़ा सा डाल देता हूँ इसमें पानी जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाएं। और यहाँ पे जो हमने धनिया की जड़ डाल ली हुई थी उसको कर देंगे ऐड। तो ये जो है ऐड हो चुके हैं धनिया की जड़ भी, और इसको जो है 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। तो इसको भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से भून चुका है ये भी, मसाला भी प्रॉपर अपना पक चुका है। अब मुझे इसमें ऐड करना है पनीर। पनीर के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा आलू। और आलू के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा केले। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे जो फ्राई काजू करे हुए थे हमने उसको।
और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्रेड्स जो हमने पहले ही फ्राई कर चुके थे। और उसके बाद थोड़ा सा गैस को कर देंगे तेज और इसको जो है अच्छे से मिलाएंगे। जब ये अच्छे से मिल जाए तो हमें इसमें ऐड करना है, गैस को कर देंगे कम और जो हमने पहले ही ब्रेड अपने दूध में भिगो के रखे हुए थे तो मैं इसको थोड़ा इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये हम जो है इसमें कर देंगे ऐड। और इसको भी अच्छे से इसी के साथ मिला लेंगे। और गैस को तेज फ्लेम में इसको 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल बढ़िया सा पकाएंगे। तो अपनी सब्जी बनकर जो है तैयार हो चुकी है। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो ये जो है हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। और अब हम इसमें गार्निशिंग में डालेंगे जूलियन अदरक, उसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, धनिया के पत्ते और अपनी सब्जी बन कर तैयार। गैस को कर देते हैं बंद। और ये देखो काफ़ी अच्छी करते हैं सर्व। तो सर्व करने के लिए मैंने लिया एक डोंगा। और उसके बाद टॉप में मैं थोड़ा सा इसमें जो है धनिया की पत्ती चिपका दूंगा। तो दोस्तों अपनी सब्जी बनकर तैयार है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।